आए थे आपके वहाँ पे? पता नहीं, घूम के गए हैं वो, वोट लेना है ना उसे, परसों ही घूम के गए। केजरीवाल भाजपा कांग्रेस नगर निगम चुनाव में बीजेपी अच्छा थोड़ा कैमरे में देख के बता रही थी, बीजेपी को क्यों और केजरीवाल को क्यों नहीं और कांग्रेस को क्यों नहीं? बीजेपी काम कराती है, केजरीवाल सिर्फ बोलती है। बढ़िया भाई, एकदम मस्त है, 10 रुपए भी खिलाओ ना यार। आओ ना भाई उसमें से खाओ। हम भी एक बार खाने का प्रयास करते हैं भाई साहब, बैठ जाइए, ब्रेड पकौड़ा खा लेते, फिर भाई से सवाल करेंगे। हमको हमने दिया है बीजेपी को। अच्छा केजरीवाल केजरीवाल। नमस्कार, स्वागत है आप सबका डबल ए न्यूज में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिठाला में। आप जो पीछे से दृश्य देख रहे हैं, मेट्रो का ये रास्ता है, यहाँ से काफी लोग यहाँ से आगे जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी दिल्ली में नगर निगम चुनाव बस कुछ ही पल रह गए हैं, ऐसे में आज हम लोगों की जुबानी जानेंगे। युवा जोश है हमारे बीच, देख सकते हैं कि हमारी बहनें भी हैं, भाई भी है, इनसे भी जानने का पूरा प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? कुणाल कुमार। कुणाल जी, ये बताइए, अभी नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, आपको शायद पता होगा, पता ही नहीं? पता नहीं, पता नहीं, पता मैं बता देता हूँ। कहाँ रहते हो आप? झारखंड। अच्छा झारखंड में रहते हो, तो वहाँ पे क्या हाल है, मतलब बताइए वहाँ के। सही है, वहाँ पे पार्टियाँ सही काम करती है, जनप्रतिनिधि? ना, वो सारा सब चोर है। सब चोर है, सब चोर है। दिल्ली में आप आए हो, दिल्ली में भी चुनाव है, क्या लग पा रहा है कि आम आदमी पार्टी आने वाली है, केजरीवाल जी है, क्या लग पा रहा है, या भाजपा आने वाली है, कांग्रेस? देखिए अभी हमको आए 2 ही दिन हुआ है, हमको तो ठीक से पता नहीं है। एक नॉर्मली मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है कि नॉर्मल वाइट ले रहे हैं ना भाई? जीतेगा तो पता चलिए जाएगा। अब देखिए आपके क्या नाम है? काजल। अच्छा अभी सर झारखंड से? नहीं नहीं, मैं दिल्ली से ही हूँ। आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली नागली। अच्छा तो वहाँ से अगर मैं 5 साल का कार्य पूछूँ आपसे एमसीडी का, तो कितना प्रतिशत कार्य हुआ है 100 में से? वैसे तो 50% से कम ही हुआ है। 50% से कम ही हुआ है। अच्छा, तो आपके वहाँ से निगम पार्षद कौन है? सुजीत पवार। तो आखिरी दफा कब आए थे आपके वहाँ पे? पता नहीं, घूम के गए हैं, वो वोट लेना है ना उसे, परसों ही घूम के गए वो। कार्य नहीं हुआ, पार्किंग साफ सफाई ठीक है? नहीं, पता क्या किया है, आधी गली खोद दी है और आधी ऐसी पेंडिंग छोड़ दी है। आप स्टूडेंट है, क्या करते हो? कौन सा कोर्स करते हैं? कोर्स वगैरह कुछ नहीं, बस नॉर्मली। देखो लॉकडाउन में सब पढ़ाई खराब हो गई थी, है ना? आपको पता है कि एक एमसीडी में जो पार्षद होते हैं कि उनके तहत एक लाइब्रेरी भी होती है, आपको पता है इस बारे में? लाइब्रेरी है आपके वहाँ पे? नहीं है। कहाँ है भाई? वो कीर्तिनगर साइड, बट आज तक गए नहीं हम। आपके वहाँ पर, आपके वहाँ से जो पार्षद है, आपके वहाँ से पार्षद? नियर बाय में नहीं, हमारे नियर बाय में नहीं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप स्टूडेंट्स के लिए क्या गुहार लगाना चाहते हैं? केजरीवाल से कुछ नहीं कर सकते, वो रहने दो, उनके बस की कुछ नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे मुझे कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी लग रहे हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम आपका? आस्था। आस्था, हमें ये बताइए कि अभी दिल्ली में नगर निगम चुनाव बस कुछ ही क्षण रह गया है, तो कहाँ रहते हैं आप? मैं रोहिणी, सेक्टर 12। अच्छा सेक्टर 12 रहते। तो अगर वहाँ से निगम पार्षद के कार्य अच्छे हुए बुरे हुए हैं 5 साल में? शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे अभी। कितना टाइम हो गया शिफ्ट हुए? अभी 2 दिन। 2 दिन? तो 2 दिन में आपको कहीं आपको गंदगी दिखाई दी? नहीं, बहुत ज्यादा। आपका शुभ नाम? रितिका सचदेवा। रितिका जी बताइए कि अभी आप 18 साल से तो ऊपर ही हैं। हाँ। इसको अपना कीमती वोट देना चाहते हो, केजरीवाल भाजपा कांग्रेस नगर निगम चुनाव में? बीजेपी। बीजेपी को देना चाहते हो? अच्छा थोड़ा कैमरे में देख के बता रही थी, बीजेपी को क्यों और केजरीवाल को क्यों नहीं और कांग्रेस को क्यों नहीं? बीजेपी काम कराती है, केजरीवाल सिर्फ बोलती है, काम नहीं कराती है। अच्छा अभी जैसे पेटी भी फ्री हो गई थी, पेटी में पेटी शराब की लाइनें लगी हुई थी। हाँ तो वो तो अलग है ना, जो मेन चीज है रोड वोड का काम कराने का, वो तो होना चाहिए ना मेन। जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे एकदम गंदा एरिया है। अच्छा थोड़ा बता दीजिए विस्तार से। विस्तार से क्या, इतना ज्यादा कीचड़ रहता है। एड्रेस बताइए ना, तभी तो अगर वीडियो वायरल होगी तभी तो सरकार तक पहुंचेगी, तभी तो कार्रवाई होगी। सेक्टर 22 पॉकेट 12, रोहिणी सेक्टर। हाँ। तो अभी क्या है कि चुनाव आने वाले हैं ना, तो जनप्रतिनिधि गली मोहल्ले जा रहे हैं, वोट बिल मांग रहे हैं। अगर आपके मोहल्ले में अगर आते हैं वोट बिल, तो कैसे स्वागत करने वाले हो? स्वागत तो अच्छे से करेंगे। कैसे? जैसे कि काम तो हुआ नहीं, फिर स्वागत अच्छे से कैसे करोगे? बीजेपी के स्वागत अच्छे से करेंगे ना, आम आदमी पार्टी के अगर आगे? नहीं नहीं नहीं, उनको वहीं से भगा देंगे। माना में रहते हैं, तो कौन से वार्ड में आप रहते हैं सर? वार्ड का तो वहाँ हिसाब नहीं। अच्छा, है वहाँ पे जो निगम पार्षद है, ठीक तरीके से काम किया है 5 साल में? अभी तक तो हमारा तो बिल्कुल भी एरिया बिल्कुल बेकार है। अच्छा बेकार कैसे, थोड़ा विस्तार से बताइए। क्या है? ठीक ठाक, नालियाँ ही सही हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे तरफ। अच्छा
बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है, जैसे मतलब हाउस वाइफ होंगी जैसे, मतलब हाँ जी जॉब करते हो सर? दोनों ही है। अच्छा, तो कूड़े वाली गाड़ी आती है? जी आती है। अच्छा, वो टाइम पे आती है? कई बार नहीं भी आ पाती है, क्योंकि कई 15-20 दिन में आती है। अच्छा, ऐसे क्या वजह हो सकती है ये तो पता नहीं सर। ये तो अगर कितना काम कितना हुआ है 5 साल में? अगर देखो ज्यादा काम हुआ है? बिल्कुल भी काम नहीं हुआ सर। आप बताइए ना, खुल के बताइए क्या क्या काम करवा। आप देखो अभी चुनाव है, पहली बात है हमारे घर में गलियां नहीं बनी है, बच्चे जब जाते हैं स्कूल तो इतना पानी भर जाता है, बच्चों को जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है। प्रॉपर एड्रेस बता रही थी? प्रॉपर एड्रेस सर एलके स्कूल के पीछे सर। अच्छा, बवाना में? जी एलके स्कूल के पीछे। बहुत बुरा हाल है, बारिश के टाइम पर नाले पूरे भर जाते हैं। अभी तो फिर बरसात भी आने वाली है, डर हो गया होगा मन में। बुरा हाल हो जाता है कि बच्चे घर में रह जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते, वैसी सरकार बंद कर देती है। खुले तो जब स्कूल खुलते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है, तो जा ही नहीं पाते। तो अभी देखिए बहन जी, अभी नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, अभी क्या है कि कैंडिडेट अब हर जगह से दावेदारी पेश कर रहे हैं, भावी प्रत्याशी, तो अगर आपके वहाँ पे अगर आते हैं वो वोट की अपील करने, तो उनसे आप क्या क्या बोलना चाहेंगे जो वो आगे करें? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ मतलब अच्छी व्यवस्था करें, लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, बच्चों को खासकर परेशानी, क्योंकि बच्चों को ठीक चलती है जी। क्या स्ट्रीट लाइट ठीक वर्क करती है? स्ट्रीट लाइट सर कई बार तो अपना फ्यूज हो जाती है। अच्छा। रात को तो हमेशा गुल रहती, दिन में जलती है, इसे कोई फायदा नहीं होता। तो वहाँ पे जैसे बवाना में देखिए काफी क्राइम भी बहुत हो जाता है, तो बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं। अच्छा। अभी तो पीछे बच्चा मरा है स्कूल के अंदर, उसको मेरे ख्याल से 9 चक्कू मारे गए हैं बच्चे को, 9th क्लास का बच्चा है। अच्छा। नाम उसको चक्कू मार के और बवाना की ही नहर में डाल दिया गया है। तो वहाँ से पुलिस प्रशासन जनप्रतिनिधि कोई सपोर्ट में नहीं आता? सर देखो वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनका दबाव इतना है कि कोई बोलने को, नेता वगैरह, हाँ जी, बोलने को कोई तैयार नहीं है, इतना दबाव है। आखिर बहन जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप दिल्ली सरकार से अपने क्षेत्र के लिए क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सर मैं यही कहूँगी कि थोड़ा काम कीजिए जो जनता आपको वोट दे सके, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी सर, कुछ नहीं। तो और मैं दिखा देता हूँ, और भी बहुत लोग हैं यहाँ पे, ब्रेड पकौड़े खाए जा रहे हैं, तो ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं भाई बंधु, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब कितने का ब्रेड पकौड़ा है? बढ़िया है, बढ़िया भाई, एकदम मस्त है, 10 रुपए भी खिलाओ ना यार। खाओ ना भाई, उसमें से हम भी एक बार खाने का प्रयास करते हैं। भाई साहब बैठ जाइए, ब्रेड पकौड़ा खा लेते हैं, फिर भाई से सवाल करेंगे। ब्रेड पकौड़ा बढ़िया भाई। नगर निगम चुनाव है, क्या लग रहा है कि कौन आने वाला है? भाई चुनाव के बारे में मैं नहीं जानता भाई, मैं छोटा सा बच्चे हूँ भाई। अरे आप कितने, 12 साल के हो, 16 साल के हो, 18 के? नहीं चुनाव में मेरे को यानी इंटरेस्ट नहीं है अभी। फिर भी नॉर्मल, ऐसे ही नॉर्मल, किसके, केजरीवाल, भाजपा, कांग्रेस, 3 चीजें पूछी है, विकल्प एक आपको टिक करना है। हमको, हमने दिया है बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को? हाँ। ये तो कट्टर मैं बोलना चाहूंगा, बीजेपी के सपोर्टर है। हमारे साथ प्रकाश मौजूद है, ये काफी समय से लगे रहते हैं, एक समाज सेवी भी हैं, तो क्या बोलना चाहते हैं? केजरीवाल, केजरीवाल इतना विश्वास के साथ कैसे? देखो तो काफी अच्छे काम करे इसलिए। अच्छा, काम जैसे की? जैसे की हॉस्पिटलों को ले लो। हाँ जी, और हमारे काम धंधे में भी। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि अगर एमसीडी में अगर केजरीवाल आ जाती है तो विकास होने वाला है? हाँ जी, विकास हो जाएगा। तो कहाँ रहते हैं आप? पड़ा रहता है, कूड़े का चलेगा। कहाँ रहते हो आप? पंसाली रहता हूँ मैं, दीप बिहार पंसाली। अच्छा, तो वहाँ से कौन है पार्षद, मतलब निगम पार्षद कौन है वहाँ से? हमारे जय भगवान उपकार लगते हैं। अच्छा, हाँ। तो सही काम कर रहे हो? हाँ सही काम कर रहे हैं। कौन सी पार्टी से हैं वो? पार्टी का तो नहीं पता सर मेरे को, लेकिन हमारे इलाके में लगते हैं वो। हाँ जी, तो आपके वहाँ पे अगर कोई वोट की अपील करने आता है कोई भावी प्रत्याशी निगम का, नगर निगम का, तो क्या एक मांग रखेंगे उनके आगे? मतलब समझा नहीं मैं। अभी वोट के लिए आएंगे ना जनप्रतिनिधि आपके घर, जैसे अभी क्या है अभी यात्राएं हो रही है, अभी क्या है पद यात्राएं हो रही है, हर पार्टी के एक वोट की अपील के लिए गली गली मोहल्ले जा रहे हैं, कैंपेनिंग चल रही है, अगर वोट मांगने आते तो आप क्या क्या मांग रखेंगे? देखो अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए नाली कूड़ा करते तो ना हो, घोड़े की गाड़ी आए हमारे घर के, घोड़े की गाड़ी नहीं आती अभी, नहीं आती है। अच्छा, एक बार प्रॉपर एड्रेस बता दो अपना। दीप बिहार पंसाली, क्या पंसाली पड़ता है हमारा छठ पूजा के पास। तो आखिर में हमारे चैनल के माध्यम से गुहार लगा दो केजरीवाल जी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। देखो जी, हम चाहते हैं हमारे यहाँ पे भी कूड़े की गाड़ी आए, हमारी गलियाँ बने, नालियाँ बने, हमारे यहाँ जो नाली का पानी है उसके लिए कोई निकास नहीं है, हम चाहते हैं उसके लिए निकास हो, हम केजरीवाल को ही वोट देंगे। नमस्कार आंटी जी, क्या नाम है आपका? कृष्णा। हाँ जी, कृष्णा। कृष्णा जी, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो आंटी जी, किसको वोट देना चाहती हैं अपना कीमती? एमसीडी के चुनाव है नगर निगम के, किसको आप चाहती हैं जिताना? आम पार्टी को। आम आदमी पार्टी, ऐसे ही इतने दृढ़ विश्वास के साथ कैसे? विश्वास है। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? रोनी में।
अच्छा, तो वहाँ से निगम पार्षद कौन है आपके वार्ड से? ये नहीं पता मेरे को। तो कभी आए हैं वो? हाँ आते हैं। तो आपने तो पता ही नहीं, तो आए कब? नाम नहीं मेरे को पता। अच्छा, नाम नहीं पता। तो चाहते कि आम आदमी पार्टी से आए? आम आदमी से आए। दर्शकों, आज हम आए थे रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास और यहाँ पर हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त करी आने वाले MCD नगर निगम चुनाव को लेकर के। तो यहाँ से कुछ लोगों ने BJP को सपोर्ट किया तो किसी ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में बात रखी। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए और आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय आप कमेंट अवश्य कर सकते हैं। और आखिर में अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिया की हम आवाज़ उठाएं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना संपर्क सूत्र अवश्य डालें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शोभित सैनी, देखते रहिए DAA News।